अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं पोटली समोसा। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत मज़े की और थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट डिश है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। ये रमज़ान में आप लोग इसको बना के रखें, और अगर अपनी इफ्तार की डिशेस में तो बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह, और आपको पसंद आएगी। तो चलो दिखाते हैं आपको कैसे बनाएंगे हम। इसके लिए हमें चाहिए ये मैदा है गूंदा हुआ। इसकी रेसिपी पहले हमने दी हुई है, जैसे पूरियों का गूंदते हैं आटा, वैसे ही बिल्कुल गूंद के हमने ऑयल लगा के रख दिया है। आलू लिए हैं आधा किलो, इनको बॉयल किया है। ज़ीरा 1 टीस्पून है, और ये अदरक पाउडर है 1/2 टीस्पून। ये भुना कुटा ज़ीरा हमने लिया है 1 टीस्पून, और ये पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, लाल मिर्च सॉरी, और ये कुटी लाल मिर्च ये भी 1 टीस्पून है। नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले लें हसबे जायका। और ये है हरा मसाला, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च बारीक काट के हमें रखी है। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आलू मैश करेंगे हम मैशर के साथ। अच्छी तरह इसको मैश कर लें। सबसे पहले ये हम मैश हो गए हमारे आलू, ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से। अब ये सारे स्पाइसेस और हरा मसाला हम इसके अंदर ऐड करेंगे। आलू हमारे अच्छे से मैश हो गए, इसके अंदर हमने सारी चीज़ें अब ऐड करेंगे। ये सबसे पहले ज़ीरा डाला हमने, अब ये अदरक पाउडर, इसका बहुत अच्छा इन्हेंसिंग का टेस्ट आता है बिल्कुल। ये भुना कुटा ज़ीरा है 1 टीस्पून, और ये लाल मिर्च पाउडर है ये भी 1 टीस्पून है सॉरी, और ये कुटी लाल मिर्च ये 1 टेबल स्पून है, और ये नमक है हमारा अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और ये हरा मसाला है, ये हम सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इनको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे। बहुत लाइट वेट और बहुत मज़े के बनते हैं ये, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी ये रेसिपी हमारी। ये देखेंगे बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब बनाते हैं हम मज़े के समोसे, तैयार करते हैं। तो चलें नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने यूँ छोटे छोटे से पेड़े बना के रख लिए हैं, और ये साथ साथ हम बेलते जा रहे हैं बेल के। तो ये जो है पोटली को बंद करने के लिए ये हमने एक गोल पेड़ा बना के यूँ काट लिया है, उसको कटर से ये कर लिए हैं, और ये हमने पेड़े बना के रखे हैं। और अब ये देखें बिल्कुल ये इसके बिल्कुल सेंटर में हम ये लगाएंगे आलू अपने, और इसके साइड पे थोड़ा थोड़ा सा घी लगाएंगे। ऑयल नहीं लगाना व्यूज, घी लगाना है। ये देखें इस तरह से एक एक स्टेप इस तरह से ये हम उठाते जाएंगे, और ये इसको पोटली से बना लेंगे। ये इस तरह से उठाएंगे, देखने में थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा है लेकिन है नहीं मुश्किल, इजी है बहुत। ये देखिए बिल्कुल इजी रेसिपी है, बहुत इजी साइज इसका भी है। ये देखेंगे ये हमारी एक ये बिल्कुल पोटली समोसा हमारा रेडी है। अब हम इसको इसी तरह सारे बना के रखेंगे और इनको फ्राई करते जाएंगे। ये देखें इसी तरह हम सारे बनाते जाएंगे। ये ऑयल देखें जी हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म जब हो जाए, फिर हम इसकी जो इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देंगे,
अब हम ये इसके अंदर एक एक करके डालते जाएंगे इस उम्र से। क्योंकि अगर फ्लेम हमने फुल रखा तो ये ऊपर से तो हो जाएंगे ब्राउन, लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए को गोल्डन होने तक फ्राई करें। ये देखिए जी बड़ा अच्छा सा कलर आ गया इनका। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए पहले भी हम फ्राई कर रहे हैं और अब ये और भी हम इनके साथ इनको पहले टिश्यू पे लगाएंगे, बाद में आपको सेट करके दिखाएंगे। ये इस तरह से ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं सारी। ये देखिए हमारी पोटली समोसा रेडी है। तो अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।